कभी करोड़ों में खेलने वाले इंद्रानी मुखर्जी के पास जमानत के लिए 2 लाख रुपए नहीं है। दरअसल सीना बोरा हत्याकांड मामले में मुंबई स्थित सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 18 मई को इंद्रानी मुखर्जी को 2 लाख रुपए के नकद मुचलके पर जमानत पर रिहा किए जाने की अनुमति दी थी। इसके बाद वह जेल से बाहर आ गई, लेकिन पैसे की दिक्कत की वजह से वो अब तक मुचलके की राशि जमा नहीं करवा पाई। कोर्ट ने इंद्रानी मुखर्जी को 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया था, जो 19 मई से शुरू होकर 1 जून को समाप्त हो गया। ऐसे में एक बार फिर उन पर जेल जाने का खतरा मंडराने लगा है। इसी कड़ी में इंद्रानी मुखर्जी ने एक बार फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इंद्रानी मुखर्जी के वकील सना रईस खान ने कोर्ट से कहा है कि मौजूद समय में वह जमानत बॉन्ड भरने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनका फोन सीबीआई के पास है और साथ ही वह 6.5 साल बाद जेल से बाहर आई हैं, इसलिए उनका व्यक्तिगत संपर्क टूट गया है। इंद्रानी मुखर्जी के वकील का कहना है कि जमानत राशि जमा कराने में अभी और समय लगेगा, इसलिए उन्हें 8 सप्ताह का समय दिया गया। हालांकि लोक अभियोजक अभिनव कृष्ण ने इस आधार पर आवेदन पर कड़ी आपत्ति जताई कि पर्याप्त समय पहले ही दिया जा चुका है, समय बढ़ाने का कोई उचित कारण नहीं बताया गया और इसलिए आवेदन को खारिज कर दिया जाना चाहिए। वहीं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश नायक निमालकर ने परिस्थितियों को संपूर्णता को ध्यान में रखते हुए कहा कि इंद्रानी को और समय दिया जाए। हालांकि न्यायाधीश ने कहा कि 8 सप्ताह का समय थोड़ा अधिक है, इसलिए 4 सप्ताह का समय पर्याप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आईटीएन।